हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत ब्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बाइक फॉर लॉन्ग राइड। दोस्तों, जब आप लॉन्ग राइड का प्लान कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर आपको मिलता है मल्टीपल रोड कंडीशन और वेदर कंडीशन भी। दोस्तों, ऐसे कंडीशंस में लिमिटेड बाइक ही परफॉर्म कर पाती हैं। दोस्तों, कंफर्ट, परफॉर्मेंस, फीचर, पावर, ये सारे पॉइंट्स को तो इवैल्यूएट करने वाले हैं। साथ में पॉपुलर बाइक कौन कौन सी है, आपको कौन सा ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए अगर आप लॉन्ग राइड शॉर्ट राइड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ। वैसे तो आपको मालूम है कि किसी भी बाइक पर आप जो है लॉन्ग राइड कर सकते हैं, बट हाँ, जहाँ बात आती है कम्फर्ट, पावर, परफॉर्मेंस, फीचर्स पे, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है। तो वही ऑप्शन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पे जो आता है वो है बजाज एवेंजर 220 मॉडल, जो कि शॉर्ट हाइट पीपल्स एंड वुमेन राइडर्स के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है। अगर इसके पावर की बात करें तो 220 सीसी का अंदर इंजन आता है जो 19 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। 40 kmpl का इसका माइलेज होता है, जो कि 40 लीटर के टैंक से आपको मिलती है। एंड इसका जो वेट है वो भी बहुत हल्का होता है, 155 kg की गाड़ी होती है, जिससे कि आप इजिली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ABS मॉडल इसमें टोटली अवेलेबल है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 125,000 के आसपास आपको अपनी सिटी में मिल जाएगा। सिटिंग हाइट जो है इसकी 725 mm की होती है, जिससे कि स्मॉल हाइट पीपल्स या फिर जो वुमेन शॉर्ट हाइट होती है ना, उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। एंड अभी भी बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। जो इसका मॉडल है, जो इसका कंट्रोलिंग है ना, वो बहुत ही अच्छा ग्रिप बनता है, इसलिए मैंने इसको 10 नंबर पर रखा हुआ है। तो दोस्तों, 9 नंबर पे है हीरो का एक्सपल्स 200 cc मॉडल। अभी आपको ये हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी ये गाड़ी, बिकॉज ये मॉडल जो है रेडी टू गो मॉडल है एंड ऑफ रोड ऑन रोड कंडीशन पे अच्छा ग्रिपिंग देता है। सस्पेंशन भी इवन फ्रंट बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एंड पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 18.1 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। 200 cc का इंजन है, 154 kg की एक गाड़ी है। सिटिंग हाइट थोड़ा सा लंबे लोगों के लिए सही है, शॉर्ट लोगों के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज इसकी सिटिंग हाइट 823 mm का है। तो इट मीन्स आपके अगर हाइट 5.8-5.9 है तो आप इसको इजीली राइड करते हैं, उससे कम में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका जो माइलेज है वो 40 kmpl का मिल रहा है, 13 लीटर का टैंक मिल रहा है आपको, ठीक है। मतलब 40 kmpl अगर और नॉर्मल में कहा जा रहा है तो हिली एरियाज में वही आप मान के चलिए 32-35 के आसपास मैक्सिमम मिल सकता है। तो ऑन रोड प्राइस जो इसका 1.25 lakhs का है। फ्यूल एंड कार्बोरेटर दोनों मॉडल मिलता है, थोड़ा बहुत ही चेंज है वेरिएशन में। दोस्तों, नंबर 8 पे है महिंद्रा का मोजो 300। दोस्तों, ये BS6 में जल्दी ही मॉडल आने वाला है। वैसे तो महिंद्रा का जो मोजो है वो अंडररेटेड है, बट ये नहीं बोलूंगा कि अंडर पावर भी है। दोस्तों, इसमें पावर बहुत ही अच्छा है। BS6 में जब आने वाला है तो जो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल SI 4 स्ट्रोक 249.72 cc का इंजन आने वाला है, 25.35 bhp का पावर प्रोड्यूस करेगा, 25.96 nm का जो है वो टॉर्क मिलने वाला है 6-speed गियर के साथ में। प्राइसिंग जो है टोटली क्लियर नहीं है, बट दोस्तों मॉडल जो है टूरिंग और क्रूजिंग, दोस्तों ऑफ रोड ऑन रोड सभी रोड कंडीशंस के लिए, मल्टीपल वेदर कंडीशन के लिए एकदम रेडी है। दोस्तों, लुक जो है लोगों को ज़्यादा ही पसंद आता है, बट महिंद्रा की अभी जो मार्केटिंग है ना, उसके वजह से थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा मतलब अंडररेटेड हो रहा है। अदरवाइज मॉडल में कोई कमी नहीं है। मैंने लेह-लद्दाख ट्रिप में कुछ मोजो देखे हुए हैं जिनका अच्छा परफॉर्मेंस भी है, तो दोस्तों इसलिए मैंने रखा है इसको नंबर 8 पे। ऊपर पे आता है KTM ड्यूक 200 प्लस मॉडल, जितने भी हैं 250, 390 मॉडल, ये सभी मॉडल जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं टूरिंग ट्रिपिंग पे। इवन लेह लद्दाख में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज इसका पावर, पिकअप, परफॉर्मेंस, फीचर, सारी चीज़ें जो हैं वो टूरिंग को मैच करता है। आप डेली राइड्स पर भी उसको सकते हैं, मतलब मल्टीपल रोड कंडीशंस पर राइड करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है, सिटिंग पोजिशन भी इवन कई हद तक बहुत अच्छा है, बट जो टैंक साइज़ है वो थोड़ा सा कम मिला था, 10 लीटर के आसपास का वो टैंक मिलता है। माइलेज भी उतनी अच्छी नहीं है। जो 200 सीसी है वो 35 kmpl के आसपास कंपनी क्लेम करती है, बट 32 के आसपास एवरेज देती है एक्चुअल में। वही 390 जो है आपको 24-25 के आसपास ही माइलेज एवरेज देती है। वेट जो है लाइट है गाड़ी का, स्पोर्ट्स बाइक है, ऑब्वियसली लाइट होना चाहिए। तो आपको अभी प्राइसिंग के बाद बात करूँ ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो जो 200 सीसी है वो आपको पड़ती है 190 के आसपास में, एंड जो 390 है वो आपको पड़ती है 3 lakh के आसपास में। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, बट ये टूरिंग ट्रिपिंग के लिए 7 नंबर पे परफेक्ट। तो 6 नंबर पे है KTM 390 एडवेंचर मॉडल, एंड ये मॉडल जो है फुल्ली लोडेड है। किसी भी रोड कंडीशन में, लॉन्ग राइड हो, शॉर्ट राइड हो,
किसी भी वेदर कंडीशन में आप इसको इजीली राइड कर सकते हैं। दोस्तों 373 सीसी का इंजन आता है, 43.3 बीएचपी का इसमें पावर प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इसका जो प्राइसिंग है वो 2.98 लाख के आसपास में है। दोस्तों इसमें एक और मॉडल आने वाला है, जल्द ही लॉन्च होने वाला है इंडिया में, और उसकी जो कॉस्टिंग होने वाली है 2.5 लाख के आसपास में होगी। एंड अगर ये 250 सीसी में लॉन्च होता है तो बहुत सारे राइडर्स के लिए एक नया ऑप्शन बन जाएगा, जो कि अंडर 3 लाख के आसपास में आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड दोस्तों जहां केटीएम की बात आती है ना, वहां पावर परफॉर्मेंस साफ दिखता है। लकी 5 नंबर पे आता है जावा 42 मॉडल एंड जो स्टैंडर्ड मॉडल है जावा का। एंड ये दोनों ही मॉडल जो है एक्चुअली पर्पस टूरिंग बाइक टाइप बनाया गया है इनको। एंड इसकी सीटिंग हाइट बहुत ही कंफर्टेबल है सीटिंग हाइट, बट जो लंबे लोग हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर पावर की बात की जाए तो 293 सीसी का इंजन है, 27 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस करता है। जो एवरेज जो कंपनी बोल रही है वो दैट इज 37.5 kmpl, बट जो एक्चुअल आता है वो 32-34 के आसपास ही इसका माइलेज आ रहा है। एंड गाड़ी नॉर्मल वेट है, मतलब ना हैवी है ना लाइट है, 170 kg के आसपास की इसका है। एंड जो ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में जो रेट पड़ रहा है 1.90 लाख के आसपास में रेट आ रहा है। एंड सीटिंग हाइट अगेन जो मैंने बताया कि कंफर्टेबल है, जो आपको 165 mm का मिलता है, जो जिनकी हाइट 5.4 या 5.5 है वो ईजिली इसको राइड कर सकते हैं, बट जो 6 प्लस हैं उसको राइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इज़ गुड, फीचर इज़ गुड, जो आपको लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है वो भी अच्छा है, बट बिल्ड क्वालिटी को लेके अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन एंड फिंगर पॉइंटिंग इस मॉडल के ऊपर हो रहे हैं, इसीलिए ये मॉडल जो है वो 5th नंबर पर है। दोस्तों 4th नंबर पे है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 एंड 500 सीसी मॉडल। एंड ये दोनों मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मॉडल हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं लद्दाख टूरिंग एंड ट्रिपिंग पे। एंड ये पर्पस बाइक है, इस मॉडल का आपको सर्विस सेंटर हर एक सिटीज़ में आपको मिल ही जाएगा, मैकेनिक जो है लोकल मैकेनिक भी इसको ईजिली कर सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। एंड आपको ईजिली इसका जो प्राइस है रेंटल प्राइस भी है वो 1100 rupees में आपको ईजिली मिल जाती है। एंड पावरफुल बाइक है, बट थोड़े से प्रो एंड कॉन्स की वजह से ही ये पीछे जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा सा इसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन लेवल, इसका जो ट्यूनिंग है कार्बन ट्यूनिंग ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर पावर की बात की जाए तो 346 सीसी का इंजन होता है, 19.1 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस करता है, हैवी गाड़ी है, 195 केजी की गाड़ी आती है। एंड प्राइसिंग रेंज की बात की जाए तो प्राइसिंग रेंज बहुत लंबा है एक्चुअली, 350 सीसी और 500 सीसी दोनों की बात कर रहे हैं तो 190 से स्टार्ट होता है और 2.5 लाख तक ये मॉडल के जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं। सिटिंग हाइट 800 mm की होती है, जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो आती है इसके अंदर 13.5 की है, जो माइलेज कही जाती है हिली एरियाज में अगर बात करूँ तो 30 प्लस तो आपको ईजिली मिल ही जाता है। आप नॉर्मली राइड करो और अच्छी ट्यूनिंग के साथ करते हैं और आपकी राइडिंग सिंपल है तो आपको अच्छी एवरेज मिल ही जाती है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर है, जैसे आपको इसमें बहुत सारी एसेसरीज मिल जाती हैं जो चीप प्राइस में सस्ते प्राइस में आपको मिल जाती हैं, जो टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये जो है 4th नंबर पे हैं। तो दोस्तों 3rd नंबर पे आता है बजाज डोमिनार 400 सीसी मॉडल। एंड अभी बहुत सारे जो राइडर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं डोमिनार के ऊपर, बिकॉज इसकी जो रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस जो आ रही है हाईवे पे, टूरिंग पे, हाई एल्टीट्यूड पे वो बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अगर पावर की बात की जाए तो 373 सीसी का इसके अंदर इंजन आता है, जो 39.4 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। गाड़ी हैवी है, मतलब मीडियम हैवी है जिसको बोल सकते हैं, माइलेज एक्चुअल में कम है, 30 के आसपास जो है एवरेज बोला जा रहा है, बट जो इसका एक्चुअल में एवरेज है वो 27-28 के आसपास ही मिलता है। सिटिंग पोजीशन इज नॉर्मल, कोई भी मतलब जिनकी हाइट 5.6, 5.7, 5.8 है वो ईजिली इस गाड़ी को राइड कर सकते हैं। पिकअप, परफॉर्मेंस, फीचर्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं इस मॉडल को डेडिकेट किए जाते हैं, बट फिर भी अभी भी थोड़ी चीज़ें हैं जो इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इसी वजह से मैंने इस मॉडल को रखा है 3rd पे। तो 2nd नंबर पे है रॉयल एनफील्ड का इंटरसेप्टर 650 सीसी मॉडल एंड ये टोटली डिजर्विंग मॉडल है बिकॉज राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसका पावर, पिकअप, परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, कम्फर्ट, ये फीचर्स जो हैं वो रॉयल एनफील्ड राइडर्स को और इसके राइडर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ 3 लाख के अंदर में पहला ये मॉडल है जो पैरेलल टू इंजन और इतना रिफाइन इंजन जो है वो राइडर्स को दे रहा है। लेह लद्दाख के रूट्स पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है सस्पेंशन के साथ में। एंड बात की जाए अगर पावर की तो 648 सीसी का इसका इंजन है जो
47 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है, 202 kg का इसका वेट है, वेट थोड़ा हैवी है। एंड ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए तो 3 lakh से इसका मॉडल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, वो 10-12 हज़ार के गैप में आपको मिल जाते हैं। अगर सिटिंग हाइट की बात की जाए तो 804 mm का इसका सिटिंग हाइट है, जो कि अगर आपकी हाइट 5.7 या 5.8 है तो आप इजीली कंफर्टली इसको राइड कर सकते हैं। लंबे हैं तो राइड इजीली कर लेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा कंफर्ट प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर बात की जाए कि टैंक की, तो टैंक जो है वो 13.7 लीटर्स का है, जो कि बहुत कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जिस पर्पज़ से गाड़ी बनाई गई टूरिंग ट्रिपिंग के, तो उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। एंड एवरेज जो है वो 27 के आसपास आपको नॉर्मली मिल जाती है। एंड ये फुल डिजर्विंग मॉडल है दोस्तों। नंबर 2 पे एक्चुअली टाई है, रॉयल एनफील्ड का थंडरबर्ड जो है वो भी नंबर 2 प्लेस पे आता है, बिकॉज ये एकदम हाईवे पर्पस बाइक है दोस्तों। उसमें 20 लीटर का टैंक आता है, सिटिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और उसके अलॉय व्हील्स और स्पोक व्हील दोनों का ऑप्शन आता है। बट ये जल्द जो है वो मीटियोर से रिप्लेस होने वाला है, जो रॉयल एनफील्ड का नया मॉडल है 2020 में रिप्लेस होने वाला है ड्यू टू कोविड, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट जल्द ही उसका डिटेलिंग मैं आपको देने वाला हूँ। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट ये नंबर 2 को टोटली डिजर्व करता है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आता है रॉयल एनफील्ड का हिमालयन मॉडल, एंड ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला मॉडल है, जो लेह लद्दाख ट्रिप पे टूरिंग पे यूज़ किया जाता है, और ये पर्पस्ड बाइक है एक्चुअल में। ये टूरिंग ट्रिपिंग एंड इसके जो एसेसरीज होते हैं वो भी इस तरह से बनाए जाते हैं कि आपके टूरिंग ट्रिपिंग को बहुत ज़्यादा कम्फर्ट दे सके। एंड ये रेडी टू गो, मतलब किसी भी रोड कंडीशन पे आप इसको जंप करवा दीजिए, कुदा दीजिए, ये आपको पूरा खड़े उतरेगी। बीच में कुछ इश्यूज थे इसके, बट वो बहुत सारी चीज़ें जो नए मॉडल्स हैं उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। एंड ये मॉडल जो है सस्ता, अच्छा और टिकाऊ टाइप का मॉडल है, जो आपको लेह लद्दाख ट्रिप के लिए हेल्प करेगा। अगर इसके पावर की बात की जाए तो 411 सीसी का इंजन है इसके अंदर, 24.5 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है, 182 kg का इसका वेट है। एंड जो नया मॉडल है वो 2,20,000 के आसपास में आपको ऑन रोड प्राइस मिल रहा है। सिटिंग हाइट 800 mm का है, एंड जो टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर के आसपास की आपको मिलती है। एंड एवरेज इज़ गुड, आपको नॉर्मल जो एवरेज है वो 30 के आसपास ये आराम से दे देता है। एंड जो 411 सीसी का इंजन है वो आपको नॉर्मली देखिए जो बाकी गाड़ियों में देखने को मिलता है कि 25, 26, 27 का से मिल रहा है, आराम से 30 के आसपास आपको एवरेज दे देता है। एंड बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी राइड को एक्चुअल में करते हैं। ये पर्पस बाइक है, आप इसमें जो गार्ड्स देखेंगे, जो इसमें एक्सेसरीज की जगह देखेंगे, वो सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन करती हैं कि ये मॉडल लद्दाख हिमालयन टूरिंग ट्रिपिंग के लिए ही बना हुआ है। तो दोस्तों आई होप सारी डिटेल आपको क्लियर हो चुकी होगी, कैसे लगी आपको वीडियो जरूर मुझे बताइएगा। एंड आप अगर सीक्वेंस को आगे पीछे करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या बेस्ट पिकअप है, आपका कौन सा मॉडल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि एज सजेशन जो है मुझे हेल्प कर सके। दोस्तों ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए गुरुजीत व्लॉग्स, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए आती रहेंगी। बाय।